हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए एक न्यू नर्सिंग रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूँ, जिसमें पोस्ट होने वाली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की और टोटल 1000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। पूरी डिटेल इस वैकेंसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। पूरी डिटेल जानने के लिए एंड तक इसी साथ जरूर बने रही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ साथ अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहा बेल आइकन दबाएं, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के किसी वीडियो का फ्यूचर कभी भी मिस नहीं करोगे। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के अलावा ऑल इंडिया लेवल की नर्सिंग वैकेंसीज का वीडियो मैंने बनाया है और उन सभी वीडियोज़ की प्ले लिस्ट बनाकर उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो खत्म होने के बाद उस प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें। आपके काम की जो भी नर्सिंग वैकेंसी है उसमें आप जरूर अप्लाई करें। इसके अलावा CHO की एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं और उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो खत्म होने के बाद उन क्वेश्चंस को जरूर चेक करें। आपके अपकमिंग सभी CHO नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी को निकाला है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नेशनल हेल्थ मिशन ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नेशनल हेल्थ मिशन की साइट है, ये मैंने ओपन कर रखी है। इस साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पेज पे आप क्लिक करके इस पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आप जैसे जैसे साइट को नीचे स्क्रॉल करोगे, आपके सामने यहाँ पे पब्लिक नोटिस है वो दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ नोटिफिकेशन है वो रनिंग में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऊपर ऊपर न्यू आ रहा है एडमिशन इन ब्रिज कोर्स प्रोग्राम 2020, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको नया पेज है वो मिल जाएगा, कैरियर का टैब यहाँ पर मिलेगा, एक्टिव वैकेंसी जिसमें मिली हुई मिलेगी और इसमें आ गया है एडमिशन इन ब्रिज कोर्स प्रोग्राम फोर सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ जनवरी 2020 सेशन। एडवर्टाइजमेंट है, पूरी डिटेल दी गई है, एग्ज़ाम का सिलेबस दिया गया है और EWS के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या फॉर्मेट होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट पे अपने क्लिक कर लेते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट है वो अपने सामने ओपन हो गया है, नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब और इस वैकेंसी के लिए जो ऑफिशियल साइट है वो भी दी गई है। तो आपको घेरे में जो साइट दिखाई दे रही है, इस साइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप करना है। डेट्स दी गई है, इंपॉर्टेंट डेट्स, स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म भरना 21 नवंबर 2019 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी वो रहने वाली है 6 दिसंबर 2019 और रिटर्न टेस्ट की डेट भी यहाँ पे दे दी है और ये रहने वाली है 15 दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 से आपका सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट रिव्यू हो गया है, इसके बाद में देख लेते हैं डिटेल और इसके लिए डिटेल पे क्लिक कर देना है, डिटेल क्या क्या है, उसके बाद में एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स अपने देख चुके हैं, उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर नेशनल हेल्थ मिशन विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर करेंट पोस्ट बिफोर ज्वाइनिंग 6 मंथ ब्रिज कोर्स प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ। यानी वर्तमान में जो पंजाब सरकार के या कहाँ के भी जो रेगुलर या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, तो इस जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स प्रोग्राम है इसको ज्वाइन करने से पहले उनको रिजाइन देना होगा, उसके बाद ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स को किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो पहले से लगे हैं उनको यहाँ पे रिजाइन देके ही ज्वाइन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं पहले बता चुका हूँ, अब देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाली है BSc नर्सिंग, या जिन लोगों ने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की है वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। GNM के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक के अप्लाई कर सकते हैं, GNM के अप्लाई नहीं कर सकेंगे, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी शर्त यहाँ पे ये होने वाली है पंजाब नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने BAMS किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और BAMS के जो कैंडिडेट्स हैं उनका इनरोलमेंट ऑन स्टेट रजिस्टर या फिर सेंट्रल रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा से आपका इनरोलमेंट होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं में जिन लोगों के पास
पंजाबी सब्जेक्ट है वो भी इसमें शर्त रही है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लेस देन 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, और रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट में। 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। अब देख लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो एग्जाम सिलेबस पे क्लिक कर देते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें जो सबसे पहले सवाल आने वाले हैं वो आने वाले फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, यानी कम्युनिटी हेल्थ के। उसके बाद में न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। उसके बाद में कम्युनिकेबल डिजीज एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, उसके बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। इसके अलावा नंबर 5 में याद भी दिया गया कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन, इसमें मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसीज इंक्लूडिंग फर्स्ट एड, इसमें गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट यूरिनरी सिस्टम, ब्लड डिसऑर्डर्स, आई ईयर नोज थ्रोट डिसऑर्डर, या फिर जो इमरजेंसी कंडीशंस और फर्स्ट एड डिजास्टर मैनेजमेंट है, इनके क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। मेटरनल हेल्थ में पूरी गायनेकोलॉजी है वो आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एडोलसेंट हेल्थ, ये हो गई है आपकी पीडिया की जो क्वेश्चंस है वो भी इसमें आने वाले हैं। न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसमें पीडिया का पूरा कोर्स आ जाएगा। ओवरव्यू ऑफ कॉमन सर्जिकल कंडीशंस, जो मेड सर्ज है वो भी यहाँ पे आने वाली है, और असेंशियल ड्रग्स जो जितनी होने वाली है, और शेड्यूल के की जो ड्रग यहाँ पे होने वाली है वो स्पेशली आपको तैयार कर लेनी है, उनसे जरूर क्वेश्चंस आने वाले हैं। असेंशियल ड्रग फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, उनसे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये मोटा मोटी 6 टॉपिक्स हैं, इनमें से आपके 100 क्वेश्चंस का पेपर होने वाला है, और आपका सिलेक्शन है वो प्योरली आपकी मेरिट के आधार पर होने वाला है। आई होप पूरी डिटेल आपके समझ में आ गई। CHO पंजाब की 1000 वैकेंसी है, और पंजाब नर्सिंग काउंसिल या फिर पंजाब का जो आयुर्वेद का रजिस्ट्रार है उससे जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करें, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जल्दी आ जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।